आहोर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने एक कृषि फार्म पर जनसंवाद कार्यक्रम किया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी ने पूर्व सीएम का माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम ने आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलवाने का आह्वान किया। खुले बता रहे हैं, कोई बीमारी हो जाओ, पक्षीता का बीमा हिन्दुस्तान में दुनिया में कहीं नहीं, वो काम अपने किया। फायदा नहीं मिल रहा है, दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, पहले एमआरआई नहीं कर सकते थे आदमी स्पेशल रखते थे, तो कहने बताओ इतने काम कर, पेंशन गरीबों के लिए, बुजुर्गों की पेंशन, विधवाओं की अलग है, दिव्यांगों की अलग है, ये सब काम हुए हैं और सबने उसको बहुत ही अप्रिशिएट भी किया था। तो चुनाव में तो झूठे आरोप लगाए गए हमारे ऊपर, भ्रमित किया गया क्या, तो बहुत गरीब बहुत ज्यादा होने लग गए राजस्थान में, कानून व्यवस्था की चीज चौपट हो गई है, हिन्दू ने दिया 5 लाख रुपए और मुसलमान को 50 लाख दे दिए, इतने झूठ बोल 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 के चुनाव जीत गए। और गांव गांव में वापस चर्चा होने लगे भी सरकार अच्छा काम कर रही थी और नई सरकार अभी काम करना शुरू नहीं किया है, लोगों को गुस्सा भी है, पार्लियामेंट चुनाव में बातें मायने रखेगी, नई सरकार का काम नहीं करना, हमारी योजनाओं को बंद करना, कमजोर करना। ओपीएस के बारे में अभी तक कोई बात कहना नहीं, जो कर्मचारियों के लिए तो जीवन मरण का प्रश्न है, तो ये तमाम बातें अब चुनाव में आ रही है। और जो माहौल बन रहा राजस्थान में लगता है ये 25 सीटें पहले जीत गए थे वो सपना अभी फिर नहीं होगा, अब चौंकाने वाले परिणाम आएंगे।